उदाहरण के रूप में अमित जी, किशन जी, भवनाथ जी, सब हमारे ये टीचर हैं आपके, सारा यंग ब्रिगेड है। कई सेंटर में आप जाते हैं तो वहां लोग सारे उम्र दराज लोग आते हैं, कहते हैं कि थोड़ा उम्र दराज अनुभव, मैं उसका सम्मान करता हूं, ऐसा नहीं कि उम्र दराज होने बस उनके पास अनुभव नहीं होता, सम्मान। मगर मुझे लगता है कि यंग जनरेशन हम ज्यादा उनसे मेहनत कर सकते हैं और हम ज्यादा बढ़िया से नई चीज बता सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं जब 2011 में इस इग्नो का कोऑर्डिनेटर बना था तो मैंने अपने प्रिंसिपल से बोला कि मुझे पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए और मैं किसको रखूं किसको ना रखूं ये मेरा अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी आप करो आपका अधिकार है। और सौभाग्य से जो रीजनल डायरेक्टर है या उनकी पूरी टीम है, जितना फ्रीडम मुझे उन देते हैं, यहां पर मैं बताता हूं कि एक और सेंटर चलता है नॉन कॉलेजिएट और उसकी जो डायरेक्टर हैं एक एक पल पल की खबर रखना चाहते हैं और हमारे जो उसके जो कोऑर्डिनेटर बड़े परेशान रहते हैं। मैंने कहा था यार अच्छा हुआ कि मैं उसका कोऑर्डिनेटर नहीं बना, मैं तो इग्नू को बना जहां गुलाब झा सर हैं, जैसे सकलानी सर हैं। आप एक बार फोन करके तो देखिए इतना फास्टली रिप्लाई इन लोगों का होता है, इतना फास्टली कोई भी चीज का एक्टिव करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं इस कॉलेज में एमएजी लाना चाहता था, इतना तो मैंने लगता है कि सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी भी आ जाएगा। जब मैं गुलाब झा सर के पास गया कि सर हमारा प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि एमएजी होना चाहिए, नेक का हमारे एक्रेडिटेशन होना है, पीजी एमए नहीं है, तो उन्होंने तुरंत तत्काल एक सकलानी सर तमाम लोगों कमेटी बनाई और तुरंत बोला कि इसको आगे किया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज अगर एमएजी मांग रहा है तो हम देना चाहिए। और आज है कि एमएजी में पहले 10 बच्चों से शुरू हुआ, आज बच्चे का तादाद बढ़ते चला गया है। तो इनका जो कॉपरेशन है बहुत अद्भुत है। किसी भी मेरा कंसर्न पहले राजघाट के साथ था, बड़ा सेंटर था, कई चीजें बड़े सेंटर की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों के साथ में काम करना पड़ता था। इन लोग और नोएडा सेंटर में आप किसी भी काम को लेकर जाइए, आपको विद इन ए टाइम बाउंड आपका रिजल्ट वो देते हैं, किसी भी तरह का मदद हो। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के जो अधिकारी होते हैं सीधी आप बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, दूसरी जगह आप रीजनल सेंटर मिल नहीं सकते हैं। आप यहाँ अगर आप जाए सकलानी सर से मिल सकते हैं या गुलाब झा सर से या किसी से भी, वहां पर जो भी ऑफिसर है श्रीन मैडम है या और भी लोग हैं, आप वहां पर बातचीत कर सकते हैं। और ये जो काम करते हैं एक परिवार की तरह काम करते हैं, एक फैमिली की तरह काम करते हैं। और यही कारण है कि आज नोएडा का जो आउटकम है बहुत अच्छा हो रहा है। जितने भी सेंटर हैं इन लोग बहुत मेहनत करते हैं, आज आप लोग आए हैं इनके ही टेक्नोलॉजी का मेहनत का कमाल है। हम चिट्ठी भेजते रहते थे, डाक से पहुंचता था नहीं पहुंचता था, आज ये क्लिक मारते हैं।